देखो वैसे तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाता हूँ, पर आज मुद्दा ऐसा है तो पड़ोसियों का खास ध्यान रखते हुए हिंदी में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी, यदि आप कमज़ोर दिल के हैं या आपको धुएं से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो जैसा कि आपको टाइटल से समझ आ रहा है, इस वीडियो में बात करेंगे कुलभूषण जाधव की। कौन है कुलभूषण जाधव, पाकिस्तान ने उन्हें क्यों अरेस्ट करा, पाकिस्तान ने उन्हें डेथ सेंटेंस क्यों दिया, उनका क्या क्राइम था, इंडिया उनको बचाने के लिए क्या कर रहा है और वे फॉरवर्ड क्या है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलो आओ यार, फटाफट अपना 4G शुरू करो और वीडियो स्ट्रीम करो। क्या 4G नहीं चल रहा? कोई नहीं, बफर करने लगा दो, शाम तक चल जाएगा। सबसे पहले कौन है कुलभूषण जाधव? एज फार एज इंडियन स्टांसेस कंसर्न्ड, कुलभूषण जाधव इज अ फॉर्मर नेवल ऑफिसर, इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिसर हैं जिन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया और उसके बाद ईरान में वो अपना बिजनेस कर रहे थे। इंडिया का ये मानना है कि ईरान से उन्हें अरेस्ट किया गया और फिर दुनिया के सामने इंडिया का जासूस बना के प्रेजेंट किया गया। वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान का ये कहना है कि कुलभूषण जाधव जो हैं वो बलूचिस्तान में प्रेजेंट थे, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का ही एरिया है उसमें प्रेजेंट थे और वहां पे भारत की तरफ से जासूसी कर रहे थे। तो इंडियन स्टांस ये है कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में कभी थे ही नहीं और उन्हें जबरदस्ती किडनैप किया गया बा पाकिस्तानी एजेंसीज इन ईरान। लेकिन पाकिस्तान का ये मानना है कि कुलभूषण जाधव ईरान में नहीं थे, पाकिस्तान में थे और जब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रेड चल रही थी उस टाइम पे कुलभूषण जाधव को एस्पियोनेज के चार्जेस पे अरेस्ट किया गया। बचपन में जब छोटे होते थे तो स्कूल में टीचर एक कहावत बताते थे, जो खुद जैसा होता है उसे सब वैसे ही दिखते हैं, बाकी आप समझदार हो। तो अब क्या हुआ, कुलभूषण जाधव को अरेस्ट करने के बाद पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट ने 2017 में उनके ऊपर केस चलाया और यह पाया कि कुलभूषण जाधव एस्पियोनेज में जासूसी में इन्वॉल्व थे और उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया गया। जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से दुनिया के हर देश में जो भी कोर्ट सिस्टम है वहां पे एक अपील का सिस्टम होता है कि अगर आपको एक कोर्ट ने कोई सेंटेंस दिया है तो आप उसको कहीं ना कहीं अपील कर सकते हो जब तक कि आप उस देश के हाईएस्ट कोर्ट तक ना पहुंच जाओ। हमारे को लगा पाकिस्तान में भी यही सिस्टम होगा तो कुलभूषण जाधव को अपील करने का एक मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने मना कर दिया कि आर्मी कोर्ट का डिसीजन फाइनल है और आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। फाइनली इंडिया को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़ा और इंडिया ने वहां पे पिटीशन फाइल करी कि कुलभूषण जाधव इज इनोसेंट और उनको इंडिया वापस भेजा जाए। तो अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस पेंडिंग था, उन्होंने 2019 में जजमेंट दी। उस जजमेंट में यह बोला गया कि सबसे पहले कुलभूषण जाधव को रिलीज नहीं करा जाएगा, उनका जो ट्रायल है वो पाकिस्तान में ही होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को बोला कि आपका जो मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन है उसको चैलेंज किया जाएगा और आप कुलभूषण जाधव को फैसिलिटी प्रोवाइड करिए उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। साथ के साथ ये बोला गया कि कुलभूषण जाधव को अनइम्पीडेड कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब कि कुलभूषण जाधव जो कि अभी पाकिस्तान की जेल में कैद हैं उनको प्रॉपर इंडियन डिप्लोमेटिक एक्सेस मिलना चाहिए, प्रॉपर इंडियन लॉयर्स का एक्सेस मिलना चाहिए। तो अब देखो, हमने तो पहले भी कहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि सारी जजमेंट हिंदी में सुनाना, लेकिन फिर भी उन्होंने भारी भरकम अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करके ये जजमेंट सुना दी। क्या बोला उन्होंने, दैट कुलभूषण जाधव शुड गेट अनइम्पीडेड अनकंडीशनल अनरिस्ट्रिक्टेड लॉयर एंड डिप्लोमेटिक एक्सेस। मतलब कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं वो फ्रीली कुलभूषण जाधव से मिल सकें, ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि कुलभूषण जाधव को वकील का एक्सेस दिया जाना चाहिए जिससे कि वो अपनी रिव्यू पिटीशन हायर कोर्ट में फाइल कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। कुलभूषण जाधव को पूरे तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, पाकिस्तान ने अभी तक कुलभूषण जाधव को दो बार एक्सेस दिया है और इंडिया का ये स्टैंस है कि जब भी हमारे डिप्लोमेट्स पाकिस्तान की जेल में कुलभूषण जाधव से मिलने गए हैं तो हमेशा ही वो सराउंडेड बाय पाकिस्तानी आर्मी मैन और आर्म्ड पाकिस्तानी आर्मी मैन उनके आसपास थे, कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, कभी भी अनइम्पीडेड फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड अनकंडीशनल एक्सेस कुलभूषण जाधव को नहीं मिला।
साथ के साथ अभी 17 जुलाई की ही बात है, पाकिस्तान ने यह बोला है कि हम तीसरी बार भी अनइम्पीडेड अनकंडीशनल अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने को तैयार हैं, अगर इंडियन डिप्लोमेट्स चाहें तो वो आके एक बारी फिर से मिल सकते हैं। बेसिकली क्या हुआ था, 16 जुलाई को हमारे डिप्लोमेट्स को कुलभूषण जाधव से मिलना था, वो कुलभूषण जाधव से मिलने पाकिस्तान की जेल में पहुंचे तो वहां पे देखा ही वॉज सराउंडेड बाय पाकिस्तानी आर्मी मैन, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी वाले थे उनसे घिरे हुए थे। अब सीधी सी बात है, अगर आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करना है तो आपको लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करने होंगे, कॉन्फिडेंशियल बातें करनी होंगी, अपना केस किस तरीके से मजबूत करना है ये सारी बातें भी करनी होंगी, अपना सारा लीगल पहलू हम अपोजिशन के सामने थोड़ी ना रख सकते हैं। लेकिन आप इनके यहाँ जुडिशियरी हो तो ये बात समझें, इनके यहाँ तो कोर्ट केस वगैरह तो कुछ ऐसा होता नहीं होगा, तो इस वजह से इन्होंने उस प्राइवेसी की अहमियत नहीं समझी। तो हमारे डिप्लोमेट्स 16 जुलाई को वापस आ गए, उन्होंने कहा कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं है, हमारे को ऐसे काम नहीं करना। फिर उसके बाद इंडिया ने स्टेटमेंट जारी करा और फाइनली 17 जुलाई को पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है इस बार आ जाओ, इस बार पक्का से अनकंडीशनल अनइम्पीडेड एक्सेस देंगे। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि एक साल पहले जजमेंट आई थी, पूरा एक साल आपको ये तीन शब्द समझने में लग गया, मानता हूं इंग्लिश में है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जुडिशियल प्रोसेस का मजाक बना दोगे, इंटरनेशनल बॉडीज का मजाक बना दोगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जिसमें दुनिया विश्वास करती है उसके जजमेंट का आप मजाक उड़ाओगे, विच इज नॉट फेयर। नाउ साथ के साथ ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है एक स्टेटमेंट आई पाकिस्तान की तरफ से जिसमें उन्होंने ये बोला कि कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करना चाहते। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको फांसी की सजा मिली हो और वो अपने आप को बचाना ही नहीं चाहता, तो इंडियन सरकार का यहां पे ये स्टैंड निकल के आता है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जेल में डराया धमकाया जा रहा है कि वो रिव्यू पिटीशन ना फाइल करें और पाकिस्तानी आर्मी के जो कोर्ट ने फांसी की सजा दी है उसको मान ले, मतलब कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जेल में कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जा रहा है। तो यहां पे पाकिस्तान में हमने देखा कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है। अब मैं आपको पुरानी एक बात याद दिलाना चाहूंगा, आप में से कुछ लोग हो सकता है भूल गए हो, इन्हीं का ही एक सिटीजन हमारे देश में आया था जिसने हमारे सौयों लोगों को मारा था, अजमल कसाब, 26/11 मुंबई 2008। क्लियर कट एविडेंस थे कि अजमल कसाब ने ही वो पूरी वायलेंस करी है, ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट, हमारे पास वीडियो एविडेंस और ये सब था। उसके बावजूद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हुए, आपको पता है हमारे संविधान में एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो क्या कहता है, राइट टू लाइफ, कि हर किसी के पास राइट टू लाइफ है। और आपको यह भी पता होगा कि जो आर्टिकल 21 है वो इंडियन सिटीजन्स और फॉरनर्स दोनों को दिया जाता है। अजमल कसाब वॉज अ फॉरनर इन दिस केस, अगर हम लीगल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो अजमल कसाब वॉज अ फॉरनर, फिर भी उसका आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी, उसे वकील का एक्सेस दिया। और यही नहीं, पहले उसका केस गया स्पेशल कोर्ट में, फिर उसने अपील करा हाई कोर्ट में, फिर उसने अपील करा सुप्रीम कोर्ट ने, फिर उसने अपील करा भारत के प्रेसिडेंट के आगे मर्सी पिटीशन के फॉर्म में। तो आप ये देखिए, हमने अजमल कसाब के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करा, चाहे वो पाकिस्तान से आया था, फिर भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हुए ये बात बोली कि उसको प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस मिलना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हमारे देश में फॉलो होता है हर किसी क्रिमिनल के लिए, वो ही सेम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अजमल कसाब को भी मिलना चाहिए। तो जब हम भेदभाव नहीं कर रहे तुम्हारे सिटीजन के केस में, तो जो हमारा सिटीजन तुम्हारी जेल में है वो भी बेकसूर जिसको तुमने किडनैप करा, तो उसको प्रॉपर लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस क्यों नहीं मिल रहा। तो ये कुछ सवाल उठते हैं यहां पे कि पाकिस्तान क्या सही में कुलभूषण जाधव को जस्टिस देना चाहता है या नहीं देना चाहता, काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी करण जौहर नहीं है, कि हर केस स्टार्ट होने वाली चीज हमारी, चाहे कश्मीर हो या कुलभूषण जाधव, हमारे थे और हमारे ही रहेंगे। तो आज की मजदूरी को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए और लाइक जरूर करिए।